मैन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की ज़बरदस्त वीडियो है जी, इंडियोर पर लगी हुई है चांद रात की सेल और मैं अभी चांद रात की सेल से होकर आई हूँ। और यहाँ पर है जी मेरे पास एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा शूज़, और ये नन्ना मुन्ना शूज़ है जी मेरी नन्नी मुन्नी सी प्यारी सी गुड़िया का। और ये शूज़ मुझे मिला है आई थिंक 700 समथिंग का, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। और कुछ दिन पहले मैं सर्विस पर गई थी जिसमें से मैंने अपने बच्चों के जूते लिए थे, बेटे का शूज़ लिया था और बड़ी बेटी के शूज़ लिए थे। तो उस वक्त इन ये सब शूज़ जो हैं वो 1299 रुपीज़ के थे। तो अभी जो है ये मुझे बहुत अच्छी सेल में मिले हैं। तो मैं गई थी एक शूज़ लेने के लिए अपनी बेटी का, क्योंकि उसके पहले जूते मैं नहीं ला सकी थी। तो मैंने साथ ही जब देखा कि बहुत अच्छी सेल लगी हुई है तो मैंने फिर और शूज़ भी उसके ले लिए थे। ये है जी सेकंड शूज़ मेरी प्यारी सी नन्नी सी मुन्नी सी गुड़िया का। ये शूज़ मैंने लिया है मोजरी स्टाइल में, ये बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये उनके पाँव में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये शूज़ था 749 रुपीज़ का। और कुछ दिन जब पहले मैं गई थी तो ये शूज़ वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, यानी कि ये डिज़ाइन उस वक्त इतने छोटे बच्चों के साइज़ में नहीं था। बेसिकली छोटे बच्चों के साथ मुझे सैंडल्स और इस टाइप के जूते नहीं अच्छे लगते, मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे बंद जूता पहने। लेकिन मेरी बड़ी बेटी की ज़िद थी कि उन्होंने जो गोल्डन सैंडल लिया है उस जैसा मैचिंग सैंडल छोटी का भी लिया जाए। तो मैंने फिर ये वाला एक सैंडल जो है वो अपनी बेटी के लिए ख़रीदा है। और ये था जिसकी पूरी प्राइस थी वो थी 1100 कुछ, अभी लिखी भी नहीं है, 1199 रुपीज़ थी शायद। और अभी जो है ये मुझे सेल में 645 रुपीज़ या 44 रुपीज़ का मिला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल थी। इस वक्त सर्विस पे अचानक मैं गई थी और मुझे पता नहीं था कि चांद रात सेल जो है वो ऑन है। इसके बाद मैंने क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो जूता लिया है मैंने अपने प्यारे अब्बू जान के लिए लिया है। अल्लाह मेरे अब्बू के दुश्मनों को जेर करे। और जब हम नया जूता अपने घर में पहनाते हैं किसी बड़े को किसी बच्चे को तो हम कहते हैं दुश्मन जेर तो सज्जन ढेर। तो अल्लाह मियाँ ढेर और दुश्मन जो हैं उनके मुंह नीचे करे, उनके मुंह काले करे और उनके सर नीचे करे। और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे ये जूता, तो मैंने फ़ौरन से अपने अब्बू के लिए ख़रीद लिया। और साइज़ उनका मुझे पता होता है कि उनको साइज़ कौन सा आना है। तो ये जूता जो है प्यारा सा ये मैंने अपने अब्बू के लिए लिया है। साथ ही ये जूता जो लिया है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफर्टेबल नरम सा शूज़ था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने फ़ौरन से ले लिया। और नरम आप देखें ये कितना है, सॉफ्ट है बिल्कुल, पीछे को आगे को आराम से मुड़ता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जूता है। तो ये मुझे जो दोनों जेंट्स जूते हैं ये शायद वैसे थे, ये मेरे ख्याल है 2300 कुछ के, लेकिन अभी मुझे जो ये मिले हैं शायद 1100 के मिले हैं या 1100 कुछ के मिले हैं, कुछ इस तरह से ये जूते थे। दोनों जो थे बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए हैं जूते। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है और जो पहले आपको दिखाया वो अपने अब्बू जान के लिए लिया है। वैसे तो मैंने अपने बेटे के लिए जूता पहले से ख़रीद रखा था, लेकिन अभी वो गए थे मेरे साथ और उन्हें जो है एक खेड़ी चप्पल पसंद आ गई थी। पहले उनकी बहुत प्यारी खेड़ी चप्पल थी लेकिन उन्होंने अपनी चप्पल के जो है वो स्टेप काट लिए थे कि जी मुझे ये ऐसे पहननी है। तो मैं फिर खामोश हो गई, अब कट चुके थे, कुछ कहा तो जा नहीं सकता था। तो इस वजह से मैंने जो पसंद की थी उसमें इस वक्त साइज़ अवेलेबल नहीं था, साइज़ जो है वो शॉर्ट हो चुका था। मैंने उनसे कहा कि भाई हम ईद के एक हफ़्ते के बाद ले लेंगे, क्योंकि ईद पर पहनने के लिए तो उनके पास दो दो जूते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अभी चाहिए। तो फिर मैंने ये जूता जो है उनके लिए अभी ले लिया। ये जूता जो मैंने पसंद किया था पहले वो तो था तकरीबन 1300 का, 1299 रुपए का, लेकिन ये जूता था 999 रुपीज़ का। तो मैंने कहा कि चलो थोड़े दिन के बाद इस बेचारी को भी ज़िबा ही करना है मेरे बेटे ने, तो खैर है कोई बात नहीं ये ले लेते हैं। ईद वाले दिन चूँकि उनका ब्लैक कुर्ता शलवार है जो कि उन्होंने कल सुबह पहनना है, तो मैंने ये चप्पल इनके लिए ले ली। और इनके लिए ये सरप्राइज़ था, तो इस वक्त चेहरे की खुशी जो है वो देखने वाली है। तो मुझे और मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जो मैं बनाकर लेके आई हूँ आपके लिए। सॉरी टू माय मिस्टेक कि मैं मोबाइल जो है वो साथ नहीं लेकर गई थी और बिल्कुल हड़बड़ी में घर से निकले, अपना एटीएम उठाया और बस चली गई।
वरना मैं आपको ज़रूर वहाँ की कलेक्शन जो है वो विज़िट करवाती कि कैसी कलेक्शन है। और अभी जो है सर्विस के तमाम स्टोर रात को 12:30 तक खुले हैं, मैं उनसे पूछ कर आई हूँ। तो आई होप आपको मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मुझे आज पता चला कि सर्विस पर हर चांद रात जो है वो सेल हुआ करती है। तो वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।